देखते हैं बच्चों, थर्ड नंबर का सेकंड नंबर। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले मान लेते हैं छोटा कोण और बड़ा कोण। सेकंड नंबर कर रहे हैं तो ये हो गया बच्चों सेकंड, माना छोटा कोण बराबर कितना एक्स डिग्री, बड़ा कोण हो जाएगा बच्चों वाई डिग्री। अब संपूरक कोण है तो बच्चों हमें पता है संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिख लेते हम दोनों कोणों का योग बराबर कितना 180 डिग्री, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू बच्चों कितना 180 डिग्री। आ गया हमारा समीकरण नंबर एक। फिर बच्चों बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण बच्चों क्या है वाई, छोटा कोण कितना डिग्री का अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो ये हमारा बन गया बच्चों समीकरण नंबर दो। अब यहाँ देखो वाई का मान निकल गया हमारे पास, तो ये वाई का मान हम रखेंगे समीकरण एक में। तो यहाँ लिख देते हैं वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस वाई बराबर 180 समीकरण एक। यहाँ से हम किसका मान रखेंगे वाई का, क्या है बच्चों एक्स प्लस 18 बराबर 180। देखो एक्स ए बी प्लस का, ए बी प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2x प्लस का 18 बराबर 180। प्लस का 18 है राइट में जाएगा, माइनस का हो जाएगा 18, तो 180 माइनस 18। यहाँ से बच्चों 2x, 180 में से बच्चों 18 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 162। और यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो आ जाएगा बच्चों 162 बट्टे 2। तो x बराबर कितना आएगा 2 बट्टे 16, 2 एक कम 2। x का मान बच्चों कितना आ गया 81 डिग्री। अभी x का मान रख देते हैं हम समीकरण दो में। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण किस में रखने पर, दो में। समीकरण दो है हमारे पास बराबर क्या है एक्स प्लस 18, और हमारे पास एक्स का मान निकला है कितना 81। तो ये आ जाएगा बच्चों 81 प्लस 18, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो वाई का मान कितना आ गया 99 डिग्री। ऐसे एक्स का मान आ गया कितना 81 डिग्री। तो छोटा कोण हो गया बच्चों कितना 81 डिग्री, और बड़ा कोण हो गया कितना 99 डिग्री। ये हो गया बच्चों हमारा सेकेंड नंबर कंप्लीट।